हमारे होटल पे पहुंच चुके हैं, ग्वांडियर दे सांची। तो दोस्तों अभी हम ये जो ग्वांडियर दे सांची होटल जो है वहाँ पे आ चुके हैं, और बहुत ही होटल तो बहुत ही अच्छी लग रही है भाई साहब, क्योंकि आज मैंने प्लान किया है कि कुछ नहीं करना है। कुछ करने के लिए तो वैसे भी है नहीं, मैं अकेला हूँ गोवा में, क्या ही करेंगे। तो अभी मस्त जकूजी का एक्सपीरियंस लेंगे। बट लोकल यार रिसेप्शनिस्ट टू भी आप देख सकते हो, लेट्स डू द चेक इन फर्स्ट। आई हैव बुकिंग ऑन द नेम ऑफ निशांत त्रिवेदी। ये है हमारा रूम 219 एंड ओ वाओ अमेजिंग। सो ये हमारा मच नीडेड जैकुज़ी जिसके लिए इस रूम को बुक किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू बडी, व्हाट्स योर नेम? समय। हाय, थैंक यू। थैंक यू सर। सो आप देख सकते हो अभी पूरे होटल में हम अकेले हैं, और अच्छा है, बेड बेड सब वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज़ लिटिल फ्लिमजी बट गुड। व्यू व्यू तो कुछ होगा नहीं आई नो, बट तो भी कुछ नहीं है व्यू में, तो बालकनी है, दैट इज़ गुड। बट अपना जो रूम टूर है वो आप अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ पे आपको टीवी वीवी सब कुछ है, जो हम कुछ देखने वाले तो है नहीं। और भाई कितना टायर्ड हो चुके हैं, ना पूछो बात यार, ना पूछो बात। कल सुबह मॉर्निंग में 3 बजे से हमने जर्नी करी थी, और अभी बजे है 7:31। मतलब आप समझ सकते हो कि 20 आवर्स का जर्नी जो है वो हो चुका है। लेकिन नो वरीज, बिकॉज आपको शॉट अच्छे लगे होंगे, आपको रूट अच्छा लगा होगा। अभी हम करेंगे इसका फुल यूटिलाइजेशन, क्योंकि गर्म पानी जो है उसको मस्त तरीके से यहाँ से बैठेंगे, आराम से गर्म पानी में एंजॉय करेंगे जकूजी का, एंड फिर हम करेंगे नैप टाइम। हेलो, नमस्ते, वनकम, शस्त्रीय काल, कैमचो एंड कसकाय पब्लिक। तो स्वागत है आपका एक अमेजिंग से नए वीडियो में, जहाँ पे मैं अभी हूँ गोवा में, और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाजू वाली बिल्डिंग में। लेकिन आज हम ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर, दैट टू इन द वंदे भारत। First time my experience will be in Vande Bharat, which will be amazing to capture. But train है शाम की 5 बजे की, और अभी time हुआ है around 11:30. So why not to show you the best cafes in Goa? तो चलो एक दो अच्छे वाले कैफे के राउंड मारते, गोवा के मस्त वाले कैफे के नज़ारे लेते, and then अपनी जर्नी जो है उसको बोर्ड करेंगे। शायद इसके 2 पार्ट्स बन सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कैसा, किस तरीके का कंटेंट मिलता है। चलो तो बाय करते हैं इस अमेजिंग वाली प्रॉपर्टी को। और भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तो यार यहाँ पे ही आया है, ये जो जकूजी का जो मज़ा लिया है हमने, बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। तो गानों को थोड़ा एक्सक्लूड करना, गाने ज़्यादा बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आपको स्विमिंग पूल मिलता है अमेजिंग वाला, विच यू कैन सी। और यहाँ पे आप बैठ कर आराम से स्विमिंग पूल का जो नज़ारे है उसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही मस्त जगह बनाई है बैठने के लिए, पूरा बाली टाइप का फील है यार। तो दोस्तों ये लोग एनिमल को इतना मानते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे जो पूरा जो है ना टर्टल्स के लिए बनाया हुआ है, आपको बहुत सारे टर्टल्स जो है वो देखने मिलेंगे। ये भी एक टर्टल है जो आप देख सकते हो, कितना मस्त लग रहा है यार, इट्स लुकिंग सो गुड। मतलब बहुत सारे ऐसे टर्टल्स जो है यहाँ पे है आपको देखने मिलेंगे। तो देखो कितने सारे टर्टल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वहाँ पे 7 और वहाँ पे 8 और बहुत सारे टर्टल हैं। ये कितने प्यारे हैं यार। हाय हाय,
यहाँ पे यार टैक्सी का इतना झोल इतना झोल इतना झोल है भाई। कल मैं प्रॉपर वाली टैक्सी करवा के आया था, प्रॉपर मतलब कि जहाँ पे वो गवर्नमेंट वाला टैक्सी होता है वो करवा के आया था। वो मुझे पड़ा था अराउंड 1100 रुपीज़, जहाँ पे मैं स्टेशन से फिर यहाँ पे आया था, होटल पे आया था, और भाई भी बहुत अच्छे थे। अभी ये बंदा 2000 बोल रहा है टू फ्रॉम हियर टू मडगांव स्टेशन। अब आप समझ सकते हो आपको यहाँ पे शॉप्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेगी, लेकिन यार सही में यहाँ पे टैक्सी का बहुत बड़ा झोल है। इसीलिए मैं कभी भी गोवा आता हूँ तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं खुद की गाड़ी लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी कुछ भी चार्ज करती है, क्योंकि ओला उबर है नहीं तो अभी आप कुछ भी चार्ज कर सकते, ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो अभी हम एक मस्त वाली जगह पे आ गए हैं जिसका नाम है सलूड करके नाम है। और ये जो जगह है ना, ये मतलब दिसंबर में तो भाई बहुत बहुत ही ज़बरदस्त पब्लिक होती है, बट अभी कोई नहीं है तो ये जगह पे आ सकते हैं। ये जगह विच इज़ माई फेवरेट, अभी यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों कैफ़े तो यहाँ पे मोस्टली बंद है, लेकिन व्यू आप देख लो एक बार, आपको व्यू जो है वो दिखा देते हैं। हाँ 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 क्या व्यू है यार, क्या अमेजिंग सी जगह है। और ये मेरी गोवा में फेवरेट जगह जो आप देख सकते हो। थोड़ा आगे जाके आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं, क्लिफ का भी व्यू देख लो आप कैसा लग रहा है। अमेजिंग सा व्यू है जो ये वाली जगह है, जहाँ से आपको पूरा यहाँ क्लिफ पूरा व्यू जो है वो दिखा रहा है। इतना स्प्लेंडिड व्यू यार, इतना मस्त व्यू, जबरदस्त। यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरी जगह में कोई नहीं है, एक व्हीकल आया अभी, बाकी कोई भी नहीं है। और ये पूरा व्यू देखो यार, मस्त है यार, अमेजिंग। पैसा वसूल व्यू है, चलो कैफे तो नहीं मिला लेकिन पैसा वसूल व्यू तो मिल ही गया आपने। यहाँ पे जो स्टोन है ना बीच के ऊपर, वो ही एक मेन जो चीज़ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो भाई चल बैठ चलिए अच्छी तरीके से, अभी थोड़ा जाते वापस। बट यार खतरनाक, यार खतरनाक, बारी बारी से इसको ही देखने का मन हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त है यार, बहुत ही जबरदस्त। लोगों ने कचरा किया है वो तो अभी क्या ही बोले, यहाँ पे डस्टबिन दिया है तो भी लोग यहाँ पे कचरा करते हैं यहाँ इस तरीके से। कभी सुधरने वाले नहीं है इस चीज़ में, बट नज़ारे देखो, इतने मस्त नज़ारे हैं। चलो भाई चलो, सो दोस्तों फाइनली हमें मिला है यहाँ पे नोवा करके, जो ओपन है अभी। ये भी एक बीच एस्केप है, और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग से व्यू है। और यू कैन सी द व्यूज, मस्त है। तो जो फील है ना, इतना मस्त, इतना एस्थेटिक फील है, यूरोपियन काइंड ऑफ फील है यहाँ पे। और देखो कितना मस्त कैफे है, लाइक जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग। और ये है इनका बार क्लब,
लेकिन व्यू देखो यार, कितना प्यारा व्यू। वाह, ऊपर तो एकदम मस्त लग रहा है, पन कंप्लीट कंप्लीट वाइब इज लाइक जस्ट अमेजिंग। बहुत सारे शॉट्स ले सकते हैं, अपने को फेवरेट सेटिंग भी मिल जाएगा, विच इज व्हाट वी नीड। तो अभी हम बैठते हैं वहाँ पे जाके, और फिर आपको फूड भी दिखाते हैं, क्या कुछ अगर खाए तो कॉफ़ी पियेंगे। अभी तो इतना कुछ खाने का तो रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो लेट्स सी।